भर्ती भी आई तो अभी चार साल के लिए आई जिसमें छह माह ट्रेनिंग साढ़े तीन साल नौकरी साढ़े तीन सालों में महंगाई बढ़ी हुई है और तीस हज़ार हम लोग क्या कर लेंगे होगा इसके बाद फिर मेरिट बनेगी इसके बाद फिजिकल होगा या नहीं होगा कि आप समय तीन साल चार साल गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा क्योंकि चार साल में कुछ नहीं होने वाला है रात भर जागते हैं फिर घोर में लाइन लगाते हैं फिर हम लोग का हाइट मेजरमेंट होता है फिर सुबह सात में दौड़ होता है फिर दिन भर दिन बघान प्रक्रिया चलती रहती है शांत में ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के जितने भी नौजवान साथी हैं सभी लोग अपने अपने ग्राउंड पर जा करके लगातार आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और ये साल सिर्फ पहला नहीं है बल्कि कई सालों से मेहनत करते हैं लेकिन तीन सालों से आर्मी की कोई जॉब नहीं आई लगातार लोग तो कोशिश करते रहे सोचते रहे कि अरे सुबह जाना है शाम को जाना है तैयारी करना है लेकिन इन लोगों के जितने भी सपने थे उस पर पानी फिर गए क्यों क्योंकि जब से रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह यादव तब से ये लोग और उग्र हो गए कि कम से कम हमको भर्ती मिल सके इन सभी जितने भी युवा हैं इन सबके माँ बाप ने सपना देखा था कि मेरा बेटा आर्मी में जाएगा और आर्मी में देश की सेवा करेगा और इन सब के चेहरे पर बस एक ही जुनून होता है इनके दिल में बस एक ही लालसा होती है कि मुझे देश की सेवा करनी है लेकिन क्या सरकार इन लोगों के लिए कुछ कर पाती है बड़ी मेहनत करने के बाद चार तीन साल बाद भर्ती भी आई वो भी भर्ती आई तो अग्निवीर की वो भी चार सालों के लिए जो युवा तैयारी कर रहे थे कि मुझे भरपूर जॉब मिल सके उनको अब मात्र चार साल ही जॉब करना होगा अब आप जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं उनके माइंड में पता नहीं कहाँ से क्या घुस जाता है और वो चार साल की नौकरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं हमें ये नहीं समझ में आता है कि चार साल बाद ये युवा अगर मान लीजिए इन लोगों में से कोई भर्ती हो जाता है चार साल बाद ये लोग क्या करेंगे ना तो इनके लिए कोई फिक्स नौकरी होगी ना इनके लिए फिक्स कोई तनख्वाह क्योंकि इनको पेंशन भी नहीं मिलेगी हाँ साफ शब्दों में उसमें लिखा हुआ है कि अगर अग्निवीर किसी भी एक्सीडेंटल में या शहीद हो जाते हैं तो उनको एक करोड़ रुपए परिवार को दिया जाएगा ऐसा क्या है अग्निवीर में समझ में नहीं आता दूसरी बात अगर इनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है हादसा होता है कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो चौवालीस लाख इनके परिवार को दिया जाएगा समय में नहीं आता है

और उम्र भी खत्म हो रही है हम लोगों की धीरे धीरे और भर्ती भी आई तो अभी चार साल के लिए आई इसमें छह माहिंग साढ़े तीन साल नौकरी करी साढ़े तीन साल नौकरी और तीस हजार मैंने तनखा तीस हजार में क्या हो पाएगा इस जमाने में आज इतना कम इतना रुपया इतना महंगाई बढ़ी हुई है और तीस हजार हम लोग क्या कर लेंगे सही बात है। और चार है। साल बाद फिर हम लोग घर आ जाए घर के आने बाद फिर क्या करेंगे सही कहा अच्छा एक बात पूछे की जब सरकार जानती है कि इन युवाओं को जॉब चाहिए तो कितना घंटा आप तैयारी करते थे कितने बजे सुबह जगते थे बताइए सुबह चार बजे सुबह चार बजे सुब जगते थे और इसके बाद फिर आकर ग्राउंड दौड़ना छः बजे तक छः बजे तक छः बजे तक पसीना बहाना होता था जी, जी उस दौरान क्या क्या करते थे अब एक्सरसाइज दौड़ना सौ सौ मीटर रनिंग करना अच्छा सो, सोलह सौ मीटर जी जी सोलह सौ मीटर पर डे रनिंग करते थे शाम को भी आते हैं शाम को भी आते हैं शाम को कितना घंटा तैयारी करते हैं वही दो घंटे तक शाम को भी शाम को यानी सुबह शाम आपका टाइमिंग बना हुआ है जी जी एक कोचिंग क्लास ये चल रही है क्योंकि इन लोगों का सपना है कि मैं हम सब लोग मिल करके आर्मी की जॉब पा सकें लेकिन इन सारे युवाओं के चेहरे पर आज खुशी नहीं बल्कि दुख मटरा रहा है कि जो सपना हमने दिखा है कई सालों की जॉब के लिए मात्र चार साल पे ही अटक जाना पड़ेगा क्या नाम है आपका सुनि कुमार नाम है कितना दिनों से तैयारी कर रहे हैं आप तीन साल हो गया है तीन साल हो गया और तीन साल से जॉब नहीं मिल रही है नहीं कभी आप? है? जी भी भी जी। इसके बाद एक और होता है जिन्हें रिटर्न फिजिकल हाँ। होता है वो सब होने के बाद ही होता है फिजिकल भी दे दिया आपने जी फिजिकल के बाद रिटर्न हुआ जी और अब सिस्टम अलग हो गया अलग हो गया पहले रिटर्न होगा इसके बाद फिर मेरिट बनेगी इसके बाद फिजिकल होगा या नहीं होगा कि आप समय तीन साल चार साल गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा कितने घंटा तैयारी करते थे अब तीन घंटा करीब तीन घंटा जी सुबह में जी सुबह में सुबह में कितने बजे आते हैं आप चार चार बजे कब तक तैयारी करते करो सात बजे तक रहते हैं ग्राउंड पे फैमिली में मम्मी पापा का सपना क्या होता है वही कि हमारा बच्चा जा रहा है ग्राउंड पे भर्ती होके और हम लोग को दिखा उन लोगों का भी सपना है और हमारा भी सपना है कि भर्ती हो जाओ आर्मी में और सबके माँ बाप का ही सपना होता है कि हमारा बच्चा भर्ती हो जाए भर्ती हो जाए अच्छी तरह से जॉब मिल सके अच्छी तरह से तनख्वाह मिल सके और आप कुछ कर सके अच्छा इस अग्निवीर जो प्रोग्राम आया है इसमें खुश है या ना खुश है आप लोग बताइए हम लोग नहीं खुश है कहे नहीं खुश है इसमें क्योंकि चार साल में कुछ नहीं होने वाला है चार साल की भर्ती में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे हाँ चार साल से तैयारी कर रहे होंगे तो चार साल के बस आपको मुआवजा मिला हाँ चार साल से तैयारी कर रहे हैं और हम लोग को कुछ नहीं इससे हम लोग को कुछ नहीं फायदा संतुष्टि नहीं है नहीं है तो क्या सरकार गलत कर रही है या आप लोगों के साथ ही गलत हो रहा है हम लोग लो मेहनत अपने अपने आप से बहुत हम लोग अपने जाने पर बहुत मेहनत कर रहे हैं बट हम लोग के साथ सरकार धोखा कर रही है और कुछ नहीं सरकार धोखा कर रही है हाँ आप पिताजी का सपना क्या था आपके हम लोग के पिताजी का सपना और सब सबके बच्चों के पिता का सपना ये है कि हमारा बच्चा जा रहा है मेहनत कर रहा है और बच्चा हमारा मिलिट्री में भर्ती हो और देश की रक्षा करे और साथ साथ में माता पिता सब लोग की सेवा करें सेवा करें आपको बता दूं कि जहां हम खड़े हैं ये गाजीपुर है और गाजीपुर वीरों के धरती कही जाती है जहां आए दिन देश की सेवा करते करते लगातार कोई न कोई शहीद हो जाता आप भी तैयारी करते हैं आपका सपना क्या था यही था हम लोग की आर्मी की तैयारी कर रहे थे हो गया 2019 से दौड़ रहे हैं दो साल उन्नीस से दौड़ रहे हैं बाईस का हो गया बाईस लगभग हो गया चार साल हो गया अभी सोच रहे थे कि आएगा आएगा भर्ती बाकी चार साल हो गया फिजिकल दिया कभी आपने फिजिकल मारे थे बिहार में मारे थे बिहार गए थे हाँ अभी सोच रहे थे गाजीपुर आएगी तो मारेंगे गाजीपुर आएगी तो मारेगी लेकिन आएगी नहीं अब अभी क्वालिफिकेशन भी अगर हाई होगी तभी सबसे पहले जॉब मिलेगी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है इसमें तो हम चल रहा है और उसमें बारह पास है अच्छा बारह पास से स्नातक तक चल चल रहा है रहा। और सरकार ने कहा है कि अगर आप अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई किए होंगे तो पहले आपको तवज्जो मिलेगा मिल, मिलेगा लेकिन जो लड़के तैयारी करें इंटर पे उनका तो तवज्जो नहीं मिले नहीं, नहीं, मिल नहीं मिल पाएगा अब भर्ती नहीं आएगी तो तो बोलेगा क्या करेंगे हम जब नौकरी भर्ती आएगी नहीं फिर हम लोग की अगर मिलिट्री भर्ती आएगी नहीं हम लोग कितना पढ़ लिख क्या करेंगे दौड़ कर क्या करेंगे जो कुछ होगा ही नहीं तो है सर ये सारे युवाओं की तरफ से हम बात कर रहे हैं ये बताइए कि जब आप लोग तैयारी करने जाते हैं या कहीं जाते हैं भर्ती होने के लिए तो वो किस किस चीजों का सामना करना पड़ता है पहले तो हम लोग रात भर जागते हैं हाँ। फिर भोर में सुबह तीन बजे लाइन लगाते हैं अच्छा। फिर हम लोग का हाइट मेजरमेंट होता है हाँ। फिर सुबह सात बजे दौड़ होता है हाँ। फिर दिन भर दिन भर घाम प्रक्रिया चलती रहती है शाम धूप में, में चलती रहती है हाँ। फिर शाम को हम लोग छोड़ते हैं वो लोग फिर सुबह फिर प्रक्रिया चलती है हाँ। दो दिन लग जाता है उसी तरह रखा ऐसा नहीं लग रहा है कि जो जो सपने हम जो नौ जिस नौकरी के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते थे रात तक मेहनत करते थे वो नौकरी अब चार सालों के लिए मिल रही है बहुत गलत हम लोग साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है जी सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश और भारत के जितने भी नेता विधायक मंत्री और सांसद बैठे हुए लोग हैं मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग बस बैठ करके के हाथ पे हाथ धरे हुए हैं और आपको बता दूं कि ये सारे लड़के इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि इनको जॉब मिल सके अब देख लीजिए कि खून से खून से पसीना पसीना से खून बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनका अभी भी ड्रीम है कि हमको किसी तरह जॉब मिल पाए लेकिन सरकार ने धोखा ये दे दिया कि इनको मात्र चार साल की ही नौकरी मिलेगी आइए हम आप आखिरी बात करते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी का ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा इन लोगों के परिवार चलाने का भी है सिर्फ चार साल में वो सारे सपने पूरे नहीं हो सकते जिनकी तलाश जिनके जिनकी कोशिश लगातार आठ साल पाँच साल छः साल तक की जा रही है कुछ तो ऐसे भी युवा होंगे जिनकी उम्र भी खत्म हो गई होगी और साथ साथ मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे युवा जो लगातार अभी हाल ही में घटना घटी है कि एक युवा आर्मी की भर्ती वेट करते करते फांसी लगा लेता है आप सभी से निवेदन करता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं एक अपील आप भी करिए क्योंकि युवाओं का जोश अभी भी भरा है युवा आप भी चाहते हैं कि हम आर्मी की जॉब कर सकें आर्मी की नौकरी कर सकें ये सिर्फ चार साल के लिए नहीं आपकी एक छोटी सी आवाज़ हमेशा इन सभी लोगों के दिलों पर राज करेगी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस मैं सत्यानंद स्वामी शुक्रिया